Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pragya, and in today's video I'm going to share with you the review of this affordable loose powder by Blue Heaven. So if you guys are interested to know whether I like this product or not and whether you should buy this product or not, then please keep on watching this video till the end, and without any further delay, let's quickly jump into the video. So guys, if you like to do makeup in your daily life or for some occasions, you must try a good compact powder or a good loose powder, because हमारे foundation और मतलब all over base को set करने के लिए आपको एक powder product की ज़रूरत होता ही है. तो आप कोई भी powder product use कर सकते हो आपके पसंद के हिसाब से. compact powder use कर सकते हो या फिर loose powder use कर सकते हो, it's completely up to you. और मैं तो कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर दोनों ही यूज़ करती हूँ और दोनों ही मुझे पसंद होता है. तो नॉर्मली मैं जब अपने फुल फेस को सेट करती हूँ तो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ, और जब मैं आई शेडोज वगैरह करती हूँ तब मैं अंडर आईज पे थोड़ा सा लूज पाउडर लगा लेती हूँ, और आई मेकअप हो जाने के बाद जो एक्सेस लूज पाउडर होता है वो उसको मैं डस्ट ऑफ कर देती हूँ. तो उससे क्या होता है कि जो आई शेडो से थोड़ा बहुत फॉल आउट होता है कभी कभार, तो वो मेरे फेस में नहीं लगता है, वो पाउडर के ऊपर गिरता है, और डस्ट ऑफ जब कर देती हूँ तो वो चला जाता है. तो लूज पाउडर जो है वो तो मुझे इस बात के लिए सबसे ज़्यादा पसंद है. और दूसरा जो है, आप लूज पाउडर से बेकिंग कर सकते हो, तो अपने अंडर आइज और मतलब जो जो एरिया में आपका क्रीजिंग होता है उन सब एरियाज को सेट करने के लिए लूज पाउडर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए. क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर से आप फेस को सेट तो कर सकते हो लेकिन बेकिंग नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको लूज पाउडर चाहिए होता है. तो मैं लूज पाउडर से अपने अंडर आइज को सेट करती हूँ, और मेरे स्माइल लाइन्स में क्रीजिंग होता है तो वो भी मैं सेट करती हूँ, और कभी कभार मैं अपनी आई लिड को भी सेट करती हूँ लूज पाउडर से. लेकिन अगर आप अपने फुल फेस पे भी लूज पाउडर अप्लाई करना चाहो फुल फेस को सेट करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो. तो लूज पाउडर से आप बहुत सारा काम कर सकते हो, और मैं इस वीडियो में ये पाउडर का रिव्यू करूँगी. तो ये ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट पाउडर है, तो लूज पाउडर को आप ट्रांसलूसेंट पाउडर भी कर सकते हो. तो ये जो है ये बहुत ही अफोर्डेबल है. मतलब अगर आप कोई मार्केट में लूज पाउडर खरीदने जाओगे ना तो 500 से आसपास के रेंज में आपको मिल जाएगा, और उससे ऊपर का तो है ही, लेकिन नॉर्मल 500 के आसपास के रेंज में मिलता है, मतलब जो अफोर्डेबल लूज पाउडर्स होते हैं. लेकिन ये जो लूज पाउडर है ना, ये आई थिंक मार्केट में सबसे ज़्यादा चीप लूज पाउडर है, बिकॉज ये सिर्फ 125 रुपीज़ का रिटेल करता है. कैन यू इमेजिन गाइज, एक लूज पाउडर जस्ट फॉर 125 रुपीज, आई मीन और क्या चाहिए आपको. और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है. मैंने आज इसको ही लगाया हुआ है अपने फेस पे, और आप लोग देख सकते हो कि कहीं से भी मेरे फेस क्रीज नहीं किया है. तो अच्छे से मेरे मेकअप को ये सेट करके रखा है, और काफ़ी देर तक ये मेकअप को सेट करता है, एक्सेस ऑयल नहीं आने देता है फेस पे. तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया है ये लूज पाउडर, और इसका फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छा है. मतलब जो 500-700 का लूज पाउडर होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा मिलता जुलता है. तो आप डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई कर सकते हो. तो मैं इसका पैकेजिंग दिखा देती हूँ. तो ये जो आउटर पैकेजिंग है काफ़ी अच्छा है, सिल्वर कलर का, और बहुत ही शाइनी सा पैकेजिंग है. तो इसमें आपको नेम्स और इंग्रेडिएंट्स और मैन्युफैक्चर डेट, प्राइस, ये ऑल डिटेल्स आपको मिल जाएगा. तो इसका नाम है ब्लू हेवन सफायर मेकअप ट्रांसलूसेंट पाउडर. तो इसका इनर पैकेजिंग भी काफ़ी ठीक ठाक है. तो ये है इसका इनर पैकेजिंग. तो कहीं से भी ये लूज पाउडर जो है ना, तो ये आपको चीप नहीं लगेगा. मतलब पैकेजिंग बहुत ही सही वाला पैकेजिंग मुझे लगा, और क्वांटिटी भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी है. मतलब आपको साल डेढ़ साल तो चल ही जाएगा अगर आप डेली इसको यूज़ करोगे तब भी. तो इसका एक ब्लैक लीड है और एक पफ है, और ये पफ का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है. तो इससे भी आप मतलब फेस पे अप्लाई कर सकते हो ये लूज पाउडर को, और अगर आप कोई पाउडर ब्रश से अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. तो ये हो गया इसका पफ. आप देख सकते हो कि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, तो ये डर्टी है. और इसमें एक सेकेंड लीड मिल जाएगा, तो इसमें आप देखोगे कि होल्स बने हुए होते हैं. तो आप जब इसको थोड़ा सा शेक करते हो ना, तो वो होल्स में से पाउडर
मतलब बाहर आ जाता है तो आप देन इस पाप से उसको यूज़ कर सकते हो या फिर ब्रश से, और आप इसको खोल के भी यूज़ कर सकते हो। तो ये है इसका पाउडर, तो आप देख सकते हो। तो आप किसी भी स्किन टोन के हो ना, तो ये ट्रांसलूसेंट पाउडर आपको कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरा स्किन टोन काइंड ऑफ डस्की है, तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छे से वर्क किया है। तो जो बनाना पाउडर होता है ना, तो वैसा ही कलर है इसका। तो अगर आप डीपर स्किन टोन के हो तो भी ये चल जाएगा, मतलब ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है तो कोई भी व्हाइट कास्ट वगैरह नहीं छोड़ता है। तो आप देख सकते हो इसका कलर, तो ये दोनों शेड्स में अवेलेबल है, और मेरा शेड है इसमें नेचुरल, और ये आपके स्किन को मैट फिनिश देता है, विच इज़ ऑल्सो रियली नाइस। तो अगर आप ऑयली स्किन के हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, एंड दिस इज़ रियली अफोर्डेबल, क्योंकि 125 रुपीज़ में मुझे नहीं लगता है कि किसी और ब्रांड में आपको लूज़ पाउडर मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू आर इन अ बजट। एंड गाइज, वन मोर थिंग, सरप्राइजिंगली इस पाउडर में ज़्यादा हार्श फ्रेगरेंस नहीं है, तो नेचुरल स्वीट सा फ्रेगरेंस हो, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप फ्रेगरेंस सेंसिटिव हो तो ये आपको कोई भी इरिटेशन देगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड दिस यूजफुल, डोंट फर्गेट टू गिव दिस अ बिग फैट थम्स अप, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड क्लिक दैट बेल नोटिफिकेशन बटन नेक्स्ट वीक, सो व्हेनेवर आई अपलोड सच वीडियोज यू विल गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो वट यू थिंक ऑफ माई वीडियोज, आई विल लव टू नो दैट। एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डू लेट देम नो दैट देयर इज अ वेरी अफोर्डेबल लूज पाउडर फॉर देम ऑल्सो। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर टिल नाउ, वट आर यू डूइंग गाइज, जस्ट गो एंड फॉलो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय गाइज।